जोर से लगाए बेटे। सॉरी बिल्लू मामा, यहाँ बैंक वतर्रा का केस ना सॉल्व हो रहा और तुम लोग का यहाँ पे कमर मटक्का चल रहा है। Well, मिल नहीं रहा है कोई क्लू इस दा, मेरी सास को हो गया है फ्लू इस दा। हाय हाय, नहीं मैं तो बस ऐसी जी। चल हट, मैं निकल रहा हूँ जी, मैं निकलो निकलो। जी जो आप इस वक्त हैं, ये तो आपका सब्जियां खरीदने जाने का टाइम है ना। और दीदी को पता चल गया ना तो आपको बहुत झाड़ पड़ेगी। Shut up! यो! तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी दीदी से डरता हूँ क्या? ओ बिल्लू! किसे फोन कर रहे हो? दीदी को। अरे तू तो बेटा बिल्लू जो चा चा चाला, बंद कर दे फोन, बंद कर दे बेटे, बंद कर दे। बिल्लू मामा, जो फैमिली ड्रामा बाद में सॉल्व कर लेंगे। सर किसी को लेकर आए हैं? सर क्या बात है? मिस्टर चौटाला, ये है मिस्टर चौरसिया। रसिया? रसिया नहीं, मिस्टर चौरसिया। वाह! तो बैंक ऑफ अतारा में जो लूट हुई है उसमें इनका लॉकर भी लूटा गया है। हाँ मैडम जी, मेरा लॉकर लूटा गया, मैं बर्बाद हो गया और सूरत से अहमदाबाद हो गया। जानी जेलस है। कितने पैसे थे आपके? मैडम जी उसमें हमारे पैसे नहीं थे। अरे उस लॉकर में हमारा कैमरा था और उन लुटेरों ने उसको लूटा और हमारी खुशियों का घड़ा फूटा। जानी जेलस है। आयो मायो हुर फुर चिंचुन चिंचुन खचर पचर। सही कह रहा है पप्पू, यहाँ लोगों के लाखों रुपए लूट गए और आपको आपकी कैमरे की पड़ी है। अरे कमाल बात कर रहे हैं, अरे कोई हमको ब्लैकमेल कर रहा है। जॉनी जेलस है। वेल, कहीं पी तो नहीं ली आपने किसी हसीना के साथ कॉफी इज्दा? कहीं खा तो नहीं ली किसी ब्यूटीफुल लड़की के प्यार की टॉफी इज्दा है? अरे दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा उस लड़की के साथ? लड़की के साथ क्या? टिंचू टिंचू टाई टाई सनन सनन साए साए। हाँ तो जी, आपका एक छोरे के साथ लप्पा झप्पा चल रहा है और उस कैमरे में आपकी फ्रेंडशिप की फोटो है। हाँ मैडम जी, इसीलिए तो वो जो ब्लैकमेलर है वो हमको ब्लैकमेल कर रहा है और हमसे कह रहा है कि अगर आज रात तक 2 लाख रुपए उसको नहीं दिया तो वो हमारा कैमरा हमारी बीबी को दे देगा। भाई लोगों ने शर्म ना आती है, अधेड़ अवस्था में छोरियों के साथ चक्कर चला रहे हैं। जीजू आपको भी बिल्कुल शर्म नहीं आती है? कमिश्नर हैं आप, इस तरह के अश्लील केस लेके खुद आ जाते हैं चौकी। शट अप! हाय! सर कार्रवाई तो मैं जरूर करूंगी क्योंकि इस केस के 4 पॉइंट हैं। तो मैडम पॉइंट नंबर 1 क्या है? वो यो है कि इनका कैमरा जिस लॉकर से लूटा गया है वो बैंक ऑफ अतर्रा में हो रखा है। पॉइंट नंबर 2, जिस बैंक में लूट हुई है वो है बैंक ऑफ अतर्रा। पॉइंट नंबर 3, उसी लुटेरे ने इनका लॉकर भी लूटा जिसने बैंक ऑफ अतर्रा लूटा है। पॉइंट नंबर चार यो है कि इनको ब्लैकमेल करके इब वो लुटेरा खुद ही पुलिस के जाल में फंस जाएगा। और यो है पॉइंट नंबर 5, तुम्हारा अफसर ना हो रखा जो तैने पॉइंट गिनवाते फिरू मैं। वेल, खुल के बताओ क्या है सीन इज द? मैं इतना भी नहीं हूँ जहीन इज द। मिस्टर चौरसिया जी मैडम, आज रात अब उस ब्लैकमेलर ऑब्लिक स्लैश लुटेरे ने जहाँ आपको बुलाया पैसे लेके पहुंच जाइए, हम भी वही मौजूद होंगे और उसने पकड़ लेंगे। Thank you.
जगह तो यही बताई थी। जानी जेलस है। मुझे भूख लग रही है। पास में एक जंगल है, वहां पे एक शेर है, उसे भी भूख लग रही है। अगर ज्यादा चूं चपड़ की ना तो उसके पास छोड़ आऊंगा तुझे। सब लोग इस बात का खास ध्यान रखें कि हमें एकदम चुप रहना है, एकदम सुमड़ी में छुप के उसका इंतजार करना है। अरे 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 Well, आ गया है गोपी इसदा, जो पहनता है कानून की टोपी इसदा। बता कहाँ है वो सारा माल? अरे अरे मैडम, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने कोई लूट नहीं की। मैं कहाँ से बता दूँ लूट का माल कहाँ है? गेस्ट हाउस खुले। देखो यार, जो भी बात है, दिन है या रात है, खुल के बोल डालो, बंजुल पे खोल डालो, क्योंकि कहीं हमारे मैडम के दिमाग के जंगल में दंगल छिड़ गया तो ये एक नंबर की क्रैक क्रोकोडाइल, मतलब लूमड़ लोमड़ी, मतलब बहुत गुस्से वाली है, बोल डालो। क्यों आशीष, हैं? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे ब्लैकमेल करते हुए? जानी जेलस है। आप इसे भी जानते हैं? हाँ, अरे मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो है जाने मन गेस्ट हाउस में काम करता है, जानी जेलस है। अरे अरे तो अरे मैडम, मैं भाई तो मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ आशीष, लेता हूँ बख्शीश, गेस्ट हाउस फुल है। और ये चौरसिया जी का क्या है मैडम? मेरे गेस्ट हाउस में इनका अक्सर आना जाना लगा रहता है, गेस्ट हाउस फुल है। अक्सर? मिस्टर चौरसिया, बुराना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका घर तो काफी नजदीक है वैसे गेस्ट हाउस से, तो आप वहाँ पर क्या करने जाते हैं? वेल, कुछ ना बोलो, आई अंडरस्टैंड इज द बांदा रोड पे है बस स्टैंड इज द। अगर तैने लूट ना की है तो ये बैंक वतर्रा के लॉकर में से यो जो कैमरा है वो थारे पास कैसे आया? मैडम मैडम, असल में बात ये है कि एक आदमी हमारे गेस्ट हाउस में आया था, जब मैं उसके कमरे में गया उसकी चादर बेडशीट वगैरह बदलने तो मुझे कैमरा दिख गया, कोई कमरे में था नहीं मैडम, मैंने कैमरा चुरा लिया। और जब मैंने कैमरा ऑन करके देखा तो मुझे ये साक्षात चौरसिया जी नजर आ गए उसमें। थोड़ी देर मैंने कैमरा और ऑन किया तो उसमें एक लड़की भी नजर आ गई मैडम। तो मैडम मुझे लगा कि इनको थोड़ा सा ब्लैकमेल करके अपनी चोच गीली कर लूं, गेस्ट हाउस फुल है। हाँ भी आशीष जी, मैं कैसे मान लूं कि तू सच बोल रहा है? मैडम मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उस आदमी के कमरे में मैंने एक बड़ा सा बैग और एक मटका देखा था। मैडम लगता है ये सही कह रहा है, वरना इसे वो बैग और मटके के बारे में कैसे मालूम? और क्या पता तने? मैडम एक बात और जानता हूँ, उस आदमी का जो चेहरा था ना, उसके चेहरे में इतनी घनी घनी मूछें दाढ़ी थी कि मतलब चेहरा दिखाई नहीं देता था, सिर्फ दाढ़ी मूछ दिखाई देती थी, गेस्ट हाउस फुल है। और मैडम वो आदमी कल अपना बैग और मटका लेके हमारे गेस्ट हाउस से चला गया, गेस्ट हाउस फुल है। वेल, वो गया वेयर इज द, मेरे स्कूटर के हैं 8 गियर इज द। अरे दादाजी, मैंने उसको फोन पे बात करते सुना था, वो मैडम किसी से बात कर रहा था कि मतलब बड़ौदा में किसी डांडिया में शामिल होने की बात कर रहा था। डांडिया? बड़ौदा में डांडिया? भाइयों बिन मौसम कौन सा डांडिया हो रहा है बड़ौदा में, जरा पता करवाओ भाई। मैडम मेरे मामा जो है ना वो बड़ौदा में रहते, तो मैं उनको फोन कर... चल ना कर।
હલો હલો મામા હું બોલું છું માલપુઆ કેમ છો એ મામા બહુ દિવસ થઈ ગયા બરોડા આવ્યા ને અને મામા ચના જલેબી ગાટે તો મને બહુ યાદ આવે અને સાથે વો ચટણી આ મજા પડી ગઈ એ મામા પેલી શિલ્પાડી શું કરે છે મને યાદ કરે છે કે નહીં મામા મામા મને એમ કહો કે બરોડામાં કોઈ દાંડિયાનો પ્રોગ્રામ છે હા હા ભાઈ મેડમ કલ બરોડા મેં ના દાંડિયા ક્વીન કા પ્રોગ્રામ હોને વાલા હે દાંડિયા ક્વીન देखो मैं बहुत शांत किस्म का आदमी हूँ मुझे कभी जल्दी गुस्सा आता नहीं है ओ बिल्लू जब मुझे गुस्सा आता है ना कसम मैंने पंजाब दी मिट्टी दी कसम मैंने सरसों के साग ते मक्की दी रोटी दी फिर मैं देखता हूँ मेरे सामने कौन खड़ा है क्योंकि मैं हूँ गोपी जो पहनता है कानून की टोपी चलो अरे भाई मैं गुजरात का कमिश्नर हूँ गुलाब जामुन गीला है ओहो यू द आर द कमिश्नर इज द तो मैं हूं आई जी इस दा मैं हूं कानून का ताऊ और मेरी बीबी ताई जी इस दा अरे मुझ पे यकीन करो भाई मैं सचमुच का गुजरात का कमिश्नर हूं गुलाब जामुन गीला है भैया सीधे सीधे बता कि लूट का माल तूने कहाँ छुपाया है वरना तू मुझे लाइसेंस निकाल बड़े बाप की औलाद बाप ने गाड़ी दिला दी तो सड़क पे हवाई जहाज समझ के चलाते हो निकाल लाइसेंस क्या करते डैडी तुम्हारे मुन्नी भाई के यहाँ पे तबला बजाते थे बोला तबला गाड़ी छूटेगी नहीं यहाँ से चालान बनेगा ऐसे कोई कोई गाड़ी नहीं गई आज तक निकाल 100 रुपए निकाल चल 100 निकाल निकाल 100 निकाल ना निकाल रहा हूँ निकाल निकल नहीं रहे निकाल निकाल रहा हूँ कुछ हुआ था क्या खचर पचर बेटी ये बोल रहा है कमिश्नर है गुजरात का अफसर और क्यों मैं हाँ सॉरी प्लीज देख भाई मने सिर्फ 3 तक गिनती आवे है बस सब कुछ सच सच बता दे 1 2 रुक जाइए मिस चौटाला क्या कर रहे हैं आप ये गुजरात के कमिश्नर है मिस्टर देसाई